नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत अछि। सुरुकरी हेडलाइन्स। प्रदेश नम्बर दू स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी जनकपुर धाम में जारी, प्रदेश के लेल सुरक्षा योजना तय करत। अवैध रूप में भारत दिस ल जा रहल 18.5 किलो चानी, सशस्त्र प्रहरी बल धनसाक नियंत्रण में। एक वर्ष भीतर नेकपा के संपूर्ण जनता के एकमात्र पार्टी बनेवाक, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष दाहाल के दावी। उत्पादन मूलक उद्योग के प्रोत्साहन करबाक नीति तत्काल कार्यान्वयन कर सरकार संग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के मांग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के विशेष चुनावी साधारण सभा काठमांडू में शुरू। अब समाचार विस्तार से। मोरंग के पथरी सनीचुरे नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में ट्रैक्टर के ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेलै छ। सुखर दिन पथरी सनीचुरे नगर पालिका 3 के भित्री सड़क खंड में उत्तर से दक्षिण दिश जा रहल को दूत 2832 नंबर के ट्रैक्टर विपरीत दिशा से आब रहल को 2644 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक रतुआ माई नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के 46 वर्षक विमल नेपारे घायल भेल छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। ट्रैक्टर चालक आ मोटरसाइकिल पुलिस के नियंत्रण में अछि। प्रदेश नंबर 2 स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी जनकपुर धाम में भ रहल अछि। शुक्र दिन आ शनि दिन कक दू दिवसीय गोष्ठी में पावन तिहार के केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था, समग्र सुरक्षा अवस्था आ सुरक्षा कार्ययोजना के विषय में गहन छलफल भ रहल अछि। सुरक्षा गोष्ठी के प्रथम दिन शुक्र दिन प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सहित तीनों सुरक्षा निकाय के प्रदेश स्तरीय उच्च ओहदाक सुरक्षा प्रमुख लोकन, आठों जिला प्रमुख, जिला अधिकारी सहित तक सबके सहभागिता रहल। शनि दिन संघीय सरकारक गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल तथा प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के समेत सहभागिता में गोष्ठी के निर्णय सब सार्वजनिक कैल जेबाक तैयारी कैल जा रहा। सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा अवैध रूप में भारत दिस ल जा रहल 18.5 किलो चानी सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। शुक्र दिन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार झा नेतृत्वक टोली जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 22 बिस्पिट्टी में चेक जांच के क्रम में अत्यक परिमाण के चानी बरामद कैलक अछि, साथे एक गोटे के पकड़ाव समेत कैल अछि। महतरी पिपरा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 सोहरबा के अंदाजी 30 वर्षक भरत कुमार शाह मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंकी में नुकाक भारत दिस ल जात काल चानी सहित हुनका पकड़ाव कैल गेल। सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा पत्रकार सम्मेलन ओकरा शुक्र दिन सार्वजनिक समेत कैलक अछि। ऐसा पहिने बीतल जेठ 24 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बिन्ही क्षेत्र से 12 किलो 700 ग्राम, साउन 32 गते सशस्त्र प्रहरी धनुषा और ही गांव पालिका 215 किलो, साउन महीना में महतरी से 15 किलो चानी पुलिस नियंत्रण में ल चुकल अछि। सरकार यह आश्विन 13 गते नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा करे लागल अछि। खाने पानी मंत्रालय शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कक यह आश्विन 13 गते सोम दिन काठमांडू में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कक नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा करे लागल जानकारी करौलक अछि। सामाजिक विकास क्षेत्र में भारी उपलब्धि हासिल भेला से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में देश के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा करबाक निर्णय कैल गेल। खाने पानी मंत्री बीना मगर जानकारी करौलिए अछि। ओ एहि अभियान के सफल बनाबत सब मंत्रालय, संबद्ध पक्ष आ सर्वसाधारण के सेहो अपील कयलनि अछि। निकै लामो प्रयत्नपछि निकै लामो तत्परता, सहकार्य र जागरूकतापछि मात्रै हामी सम्भव भएका हौ भन्ने लाग्छ, किनकि खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नभन्दा अगावै सञ्चालित खुला दिशामुक्त जिल्ला, खुला दिशामुक्त अभियानहरू जसरी स्कुलहरूमा, त्यसपछि सामुदायिक ठाउँहरूमा जसरी सञ्चालन भयो, यसको मूर्त रूप हामीले लगभग हामीले सन् 2011 पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्यूले यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो, कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। र नेपालको पहिलो जिल्ला कास्की जिल्लामा पूर्व प्रधानमन्त्री अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री छनाथ खनालज्यूले यसको घोषणा गर्नुभएको थियो। र यो निकै लामो समयसम्म यो निरन्तर रूपमा चलिरह्यो, यो सामाजिक उत्थान र सामाजिक आन्दोलन पनि थियो। र यसले
यसमा हामी सबैजना सहभागी भयौँ, सामाजिक संस्थाहरू, अभियन्ता कर्मीहरू, राजनीतिक लिडरहरू, त्यसपछि सामाजिक नेतृत्व गर्ने टिमहरू, विभिन्न पत्रकार टिम, सामाजिक संस्था र अभियन्ता कर्मी र स्वयं जनता आफ्नो सरकार सन् 2011 साल सा हरेक जिल्लाकै खुला दिशा मुक्त घोषणा गरेका काज सुरु गरेको छ। वही अभियान अन्तर्गत सबसे पहिल कास्की जिल्लाकै खुला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा कयल गेल छ। यी अभियान स्कूल त जिल्ला त होइत आगा बढाउल गेल सेहो मन्त्री मगर जानकारी गराउन छले। नेपालमै खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कयल गेल लगले सरसफाई अभियान के तीव्रता देल जेबाक सरकार के योजना अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक वर्ष भीतर पार्टी के संपूर्ण जनता के एक मात्र पार्टी बनेबाक दावी कयने छ। अध्यक्ष दाहाल पार्टी के संपूर्ण जनता के एकटा मात्र पार्टी बनाब देशभर अभियान संचालन करबाक घोषणा सेहो कयने छ। एहिके लेल केन्द्रीय कार्य समिति के विचार तत्काल बजाक आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तय कयल जेबाक अध्यक्ष दाहाल के कहबै छ। शुक्र दिन काठमाण्डू में आयोजित पार्टी संपर्क समन्वय कमिटी के जमघट में हो पार्टी से आम कार्यकर्ता आ जनता संगे के संबंध के मजबूत बनबैत अभियान संचालन कयल जेबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल एक वर्ष एम्हर पार्टी के करीब 10 लाख कार्यकर्ता काज नहीं पाओल होला सँ बड़का क्षति भोग पड़ल पर आब पार्टी काज सँ गति लेबाक दावी समेत कयने छ। अध्यक्ष दाहाल पार्टी अगिलका दिन चलाब वाला अभियान के एक मन एकटा विचार के संग आगा बढ़ सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलनि। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 संबंधी संघ सरकार के कार्यक्रम प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयने छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के प्रदेश स्तरीय प्रवर्धन समिति के अध्यक्ष समेत रहल मंत्री राय कार्यविधि आ बजेट उपलब्ध नहीं कर समिति बनौने कहित असंतुष्टि जनौने छलनि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 पर्यटन प्रवर्धन समिति आ नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 बीरगंज में शुक्र दिन आयोजना के कार्यशाला में ओ असंतुष्टि जनौने छ। पर्यटन प्रवर्धन समिति कहिक कमिटी बनाओल गेल अछि, कार्यविधि नहीं अछि, बजेट समय नहीं अछि, केना के काम हैत प्रश्न करैत ओ जे उद्देश्य प्राप्ति के लेल कमिटी बनाओल गेल अछि ओहि के लेल सहयोग समेत करब पड़बाक बतौलनि। भ्रमण वर्ष सफल बनाब स्वयं सब प्रदेश 2 में रहल धार्मिक प्रातात्विक आ पर्यटक के संभावना बुकने स्थल सबके पहचान आ प्रचार प्रसार कर रहल हुनक कहबै छ। जनकपुर के जानकी मंदिर के विषय में बहुतों के था अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत अतः आबि चुकल अछि, मुदा राम सीता के विवाह भेल मणि मंडप कतय अछि बहुते के नहि था अछि। ओ कहलनि संघीय सरकार संग एकर तथ्यांक समेत नहि छल, हमसब पहिने तथ्यांक संकलन के काम शुरू कर देने छी। ओ स्थान के इतिहास समेत समेट के डॉक्यूमेंट बना रहल हुनक कहब छलनि। प्रवर्धन समिति के सलाहकार एवं पर्यटन व्यवसायी युवराज लामा 27 दिन धरि सुतबाक आ 3 दिन काम करबाक प्रवृत्ति से भ्रमण वर्ष सफल नहीं होबाक बतौने छलनि। प्रदेश में परसा राष्ट्रीय निकुंज सहित 40 विभिन्न पर्यटकीय स्थल पहचान कक प्रचार प्रसार के काम अगाड़ी बढ़ाओल गेल हुनका सबके कहब छलनि। समिति के संयोजक मनीष झा पूर्वाधार सब बेसी व्यवहार में ध्यान देव पर बाक बतौलनि। बीरगंज महानगर पालिका के नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी पालिका भीतर के खाली जगह के उपयोग कर सकल गेल त अधिकार पाओल गेल त पर्यटकीय क्षेत्र के विकास कर सकबाक बतौलनि। नेकपाक बीरगंज महानगर अध्यक्ष रोहबर अंसारी प्रदेश 2 में ग्रामीण पर्यटक के प्रचुर संभावना रहल धारणा रखने छलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा देश के समृद्ध बनाब सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास में जोर देने बतौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश के समृद्धि के लिए पर्यटन आ कृषि क्षेत्र के विकास में सरकार केन्द्रित रहल समेत बतौलनि। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पार के शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ गरीबी निवारण के क्षेत्र में समेत पर्यटन क्षेत्र आओर क्षेत्र से बहुत निक काम करबाक समेत धारणा रखलनि। Who can spend as a tourist? Those people who can afford to that. And who works in tourism industry? Basically, the workers, the waiters, the porters, the car drivers, the taxi operators, everybody included. And then if you go to the farms, the farmers, if you are really talking about agritourism, the farmers, and if you are talking about some other adventurous tourism, the local people, they all are benefited from the money you spend as a tourist, and you are better off than those people. So this is one of the best way to redistribute income from the rich to the poor without intervening the market system.
अर्थमन्त्री खतिवडा सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नेपाल के सांस्कृतिक तथा प्रातात्विक महत्व के संपदा सब के पुनर्निर्माण के काम के समय तीव्रता देने बतौलने आंतरिक उड़ान के सब वायु सेवा कंपनी विपन्न वर्ग के ज्येष्ठ नागरिक के मात्र भाड़ा में 50% छूट देवाक वायु सेवा संचालक संघ के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से विपन्न ज्येष्ठ नागरिक के मात्र छूट देवाक निर्णय कलक छूट हवाई भाड़ा के सबसे ऊपर का दर से मात्र लागू होबाक आ नमहर विमानस्थल में प्रतिदिन प्रति सेक्टर में दू गोटे विपन्न ज्येष्ठ नागरिक के मात्र ही सुविधा उपलब्ध करेबाक संघ के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर थापा जानकारी देने छोट विमानस्थल सब में प्रतिदिन प्रति सेक्टर एक गोटे के लिए मात्र ही सुविधा उपलब्ध होबाक निश्चित भेल आब ज्येष्ठ नागरिक सब छूट पेबाक हवाई कंपनी के काउंटर में उपस्थित भग स्वयं विपन्न भेल स्वघोषणा करा पड़बाक शर्त कंपनी सब रखने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय 70 वर्ष ऊपर के सब नागरिक के आंतरिक हवाई भाड़ा में 50% छूट के घोषणा कने छल मंत्री के घोषणा के शुरू में विरोध केने वायु सेवा कंपनी एखन सशर्त समर्थन कलक ऐसागो नेपाल एयरलाइंस सब आंतरिक उड़ान में 50% छूट के घोषणा कने छल श्री एयर समेत 85 वर्ष ऊपर के नागरिक के मात्र 500 आ 75 वर्ष ऊपर के दू गोटे के एकटा उड़ान में छूट देबाक घोषणा कने छल अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद उत्पादन मूलक उद्योग के प्रोत्साहन करबाक नीति तत्काल कार्यान्वयन करत सरकार संग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के मांग न्यायपालिका के सुदृढ़ बनेबाक अभियान में संघ दिवस संबद्ध सब पक्ष के प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा का आह्वान आया नेपाल क्रिकेट संघ के आन के विशेष चुनावी साधारण सभा काठमांडू में शुरू पुनः स्वागत है सपन न्यूज में अब बाकी समाचार सरकार ललितपुर के पुल चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन केन्द्र बनेबाक तैयारी कलक अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा पुल चौक स्थित साझा यातायात के कार्यालय भवन आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन बनेबाक लक्ष्य के संग जमीन के खोजी काज के आगा बढ़ा रहा जानकारी देने ओ ललितपुर में सांसद आवास भवन निर्माण करबाक सोच से हो रहा सरकार के धारणा रखने शुक्र दिन ललितपुर के पाटन में आयोजित ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ के 40वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करते मंत्री खतिवड़ा सरकार समग्रता में ललितपुर जिला के आधुनिक शहर के रूप में विकास कर चाह रहा धारणा रखने अंतरराष्ट्रीय स्तर को सम्मेलन केन्द्र यही साझा को जमीन को वरीपरी बनाने हमें योजना अगर सारी राखे त्यो पनि नयाँ एउटा निर्माणको कुरा हुन्छ पुराना भत्किएका भवनहरूलाई नयाँ आधुनिक शैलीले नयाँ प्रकारका भवनहरू बनाउनेमा सरकार लागेकै छ पुनर्निर्माण लगायतको कुराहरूमा मन्दिरहरूको पुनरुत्थान पुनरुद्धार जीर्णोद्धारका कामहरू पनि अघि बढिरहेकै छ अर्थमन्त्री खतिवडा ललितपुर कला आ सांस्कृतिक हिसाबसँग सेहो अधिक सम्भावना रहल जिल्ला भेलासँग अहिके विकासमे सरकार प्रतिबद्ध भएका काज कऽ रहल दावी समेत कयने छलनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देश में युवा उद्यमी सब बढ़त गेला से खुशी व्यक्त कलने मंत्री यादव युवा उद्यमी मार्फत स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा देव सरकार आवश्यक वातावरण बना देवक प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन ओ सरकार स्वदेशी उत्पादन आ अ के बाजारीकरण करबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय मेला सब में नेपाली वस्तु सबक सहभागिता बढ़ावा सकभर प्रयास करबाक सरकार के नीति रहल से स्मरण करौने छलनि शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी भेल मंत्री यादव संचारकर्मी बीच देश में उद्योग विकास के शुभ संकेत सब देखल गेल कहैत एके विकास के लेल आवश्यक सब किस्म के सहजीकरण कक आगा बढ़ा सरकार तैयार रहल से हो बतौलने छ हामी गरेका पनि छ अर्को कुरो अझै पनि बजार नेपाली वस्तुहरुको बजारको कुराहरु छ हामी त्यहाँ प्रत्येक प्राइस सोधौ कि बाहिर कतिको चाहिँ निर्यात गर्नु भएको छ मार्जिन सोधौ कतिपय चाहिँ हामी यही बेचिरहेका छौँ कति बाहिर पनि मतलब लगेका छौँ र अझै मंत्री यादव देश में भ रहल औद्योगिक मेला सब से हो उद्यम विकास में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचा रहल से हो स्पष्ट केने छलनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उत्पादनमूलक उद्योग के प्रोत्साहन करबाक नीति तत्काल कार्यान्वयन कर सरकार संग मांग कलक महासंघक अध्यक्ष भवानी राणा सरकार चालू आर्थिक वर्षक बजट तथा नीति कार्यक्रम में उत्पादनमूलक उद्योग में प्रोत्साहन के नीति लेल जेबाक कहल गेलो पर अइ के कार्यान्वयन एखनो धरि होबर नै सकल कहित असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि अछि शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में ओ स्वदेशी उद्योग के आगा बढ़ाबा सरकार आवश्यक वातावरण बनाबऽ नै सकल उपराग सेहो व्यक्त कयलनि
अध्यक्ष राणा ललितपुर जिला के हस्तकला जिला के रूप में घोषणा कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण गराउन छलैन। कामना गर्न चाहन्छु चाहिँ इम्पोर्ट घटेको र 27.7% चाहिँ एक्सपोर्ट बढेको अवस्था चाहिँ एउटा एकदमै एउटा सकारात्मक पक्षको रूपमा पनि हामीले लिएको छौँ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि एउटा राम्रो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निरन्तर कसरी गराउन सकिन्छ, जुन बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सब्सिडीका कुरादेखि लिएर चाहिँ र मटेरियल एक तह कम गर्ने कुराहरू जुन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले लिएर आउनुभएको छ त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। अध्यक्ष राणा ललितपुर जिल्लाको हस्तकला जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न सकला पर ऐसे नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबे सेहो सहयोग पहुँचे बाक विश्वास व्यक्त कयने छले। नेपाल अध्यक्षता कयने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्री सभक अनौपचारिक विचार में भारत आ पाकिस्तान के विदेश मंत्री सब एक दोसर के बहिष्कार कलक है। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली के अध्यक्षता में अमेरिका के न्यूयॉर्क में भेल विचार में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आ पाकिस्तानक विदेश मंत्री मोहम्मद कुरेशी एक दोसर के बहिष्कार कलक है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर धारणा राखि के बाहर अला पश्चात मात्र पाकिस्तानक विदेश मंत्री मोहम्मद कुरेशी सहभागी भेल छल। भारत अगस्त 5 में जम्मू तथा कश्मीर के दैत आयल विशेष राज्य के दर्ता देवेवला संविधान के धारा 370 खारिज कला के बाद नया दिल्ली आ इस्लामाबाद बीच तनाव बढ़ल है। बीतल वर्ष के राष्ट्र संघीय महासभा में सहभागी होब न्यूयॉर्क पहुंचल विदेश मंत्री सभक अनौपचारिक विचार में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भाषण बहिष्कार कयने छलथि। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर धारणा राखि के बाहर बहरौला के बाद मात्र पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद कुरेशी ओहि कार्यक्रम में सहभागी भेल छलैन। नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत रैंडी वेरी नेपाल ऊपर केकरो दबाव आ प्रभाव देख नै चाहने बतौलने। राजदूत वेरी नेपाल केकरो पक्ष में नहीं भक नेपाल के पक्ष में ठार रहल आ ठार रहबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलन। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल में अमेरिकी कूटनीतिक विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में हो अमेरिका आगा बढ़ौने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में नेपाल आवश्यकता महसूस केला पर सहभागी होब सकबाक बतौलन। वो अमेरिका नेपाल चीन भारत अमेरिका और देश के पक्ष में नहीं भक अपन पक्ष में ठार रहल देख चाहने से स्पष्ट कलन। दू देश बीच के संबंध स्थापना भेल 70 वर्ष पहुँचल स्मरण करबैत राजदूत बेरी नेपाल के अमेरिकी सरकार हरेक वर्ष सहयोग करैत आयल सेहो स्मरण करौने छलन। अ वर्ष सेहो अमेरिका सहयोग स्वरूप मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC परियोजना अंतर्गत नेपाल के 50 अरब नेपाली रुपया सहयोग करबाक राजदूत बेरी बतौलन। राजदूत बेरी नेपाल भू परिवेष्टिक देश के रूप में स्वतंत्र आ सार्वभौम देश रहल कहित अय के प्रभावकारी बनाब अपन देश सदा सहयोग कर प्रतिबद्ध रहल सेहो धारणा रखने छ। To those who would question this, I ask, what part of free, open, and secure is exclusionary or counter to anyone's interests? Is it in fact exclusionary to call for all countries to respect the sovereignty of others, regardless of their size? I certainly don't think so. I think Nepal, as a sovereign small country, has at least as much interest as the United States does in speaking up for the fundamental principle that large countries should not राजदूत वेरी दू देश बीच के संबंध के और मजबूत बनाब उच्च स्तर के राजनीतिक भ्रमण भ रहा आ भविष्य में सेहो होइत रहबाक बतौलन। ओ नेपाल में भूटानी शरणार्थी व्यवस्थापन में अमेरिका सहयोग कयने स्मरण करबैत आउट क्षेत्र के सेहो पहचान क सहयोग उपलब्ध करेबाक योजना रहल सेहो धारणा रखलन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिका के सुदृढ़ बनेबाक अभियान में साथ देब संबद्ध सब पक्ष के आह्वान कलने। प्रधान न्यायाधीश जबरा संविधान जारी भेल परिप्रेक्ष्य में सुदृढ़ न्यायपालिका के उद्देश्य आ रणनीति सहित लागू कयल गेल न्यायपालिका के चारिम रणनीतिक योजना कार्यान्वयन में संबद्ध पक्ष सभक संग सहयोग आ सहकार्य के जरूरी रहल सेहो स्पष्ट कलने। दशैं दियावती नेपाल सम्बत तथा छठ पावन के अवसर पर शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत काठमांडू में आयोजना के लिए शुभकामना आदान प्रदान तथा चाय पान कार्यक्रम में वो देश के विकास समृद्धि आ सुशासन तहिना न्यायपूर्ण समाज स्थापना के लिए एहन पावन सब ऊर्जा आ प्रेरणा प्रदान करित आयल आ आउत से कामना सेहो कयलनि। योजनाबद्ध व्यवस्थापनको माध्यमबाट न्यायिक सुधारका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ 15
15 वर्ष पहिले देखि सुरु भएको न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनालाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षदेखि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरिएको कुरा प्रधान न्यायाधीश जबरा संविधान आ कानूनमा लेखल विषयका व्यवहारिक कार्यान्वयन कक स्वतन्त्र आश्वायत न्यायपालिकाको सुनिश्चितता कायल जबाक आवश्यकता रहल धारणा रखलनि। अपन न्यूज में फेर सके देर व्यावसायिक विश्राम विश्रामक बाद कृषि विकास बैंक के सिस्टम हैक कक 5 करोड़ बराबर रकम चोरी भेल घटना में और 3 गोटे पकड़ायल। आ नेपाल क्रिकेट संज्ञान के विशेष चुनावी सुधारण सभा काठमांडू में शुरू। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आबने बाके समाचार। नेपाल युवा परिषद प्रसाद शुक्र दिन बीरगंज के माय स्थान स्थित श्री गहबा माई मंदिर परिसर में सरसफाई कलक। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नेपाल युवा परिषद के केंद्रीय कार्यक्रम अनुसार प्रसाद जिला में सेहो सरसफाई कल गए। सरसफाई कार्यक्रम में वक्ता लोकन सरसफाई के लिए महानगर तथा और सरसफाई अभियंता आस में नहीं रहकर संघ के अपन अपन घर से सरसफाई के शुभारम्भ कल जेबाक में जोर दिल। नेपाली युवा परिषद प्रसाद अध्यक्ष श्रवण प्रसाद शाह के अध्यक्षता में भेल सरसफाई कार्यक्रम में सामाजिक अभियंता प्रकाश थारू, सरसफाई अभियंता वीरेंद्र कुमार शाह, आरती घिमिरे लगायतक सब सरसफाई के विषय में अपन अपन विचार रखने छलन। कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीरगंज महानगर के अध्यक्ष रहबर अंसारी, होटल व्यवसायी संघ प्रदेश नंबर 2 के सचिव एवं होटल व्यवसायी संघ प्रसाद महासचिव तबरेज आलम, विजिट मदेश के ओम प्रकाश सराफ, नेपाली युवा परिषद के सचिव अजय कुमार चौरसिया, कलेजक विद्यार्थी सब स्थानीय वासी लगायत सबके सहभागिता छलन। कृषि विकास बैंक के सिस्टम हैक कक 5 करोड़ बराबर रकम चोरी भेल घटना में और 3 गोटे पकड़ा गया है। पर्वत के 26 वर्षक गणेश बस्याल, मालती देवी नेपाली आ कंचनपुर के यज्ञराज भट्ट के महानगरीय अपराध महाशाखा पकड़लक। भट्ट के खाता में 45 लाख आ मालती के खाता में 24 लाख रकम भेटल गला के बाद ओकरा सब के अनुसंधान के लिए पकड़ने अपराध महाशाखा जनौलक। पकड़ायल बस्याल के बयान अनुसार भारत में रहकर हैकिंग के योजना बनौने काले कहकर चिन्हायल जाए वाला ट्विटर संग संपर्क भेल पाओल गेल महाशाखा के प्रमुख SSP सहकुल थापा जानकारी दिलन। बस्याले मालती नेपाले आ ऐसे पहिने पकड़ायल रामकृष्ण भूषाल के रकम पठाब लगने प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल। बैंक हैकिंग कक रकम चोरी भेल घटना बुध दिन मात्र सार्वजनिक भेल छल। प्रहरी ऐसे पहिने घटना में संलग्न भेल आरोप में अखन धरि 13 गोटे के नियंत्रण में लल चुकल। पश्चिम नवलपरासी के सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप सेमेरी में कार्यरत सहायक हवलदार घूस रकम सहित पकड़ा गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बुटवल सहायक प्रहरी हवलदार ज्ञानेन्द्र मौर्य के 7,000 रुपया घूस रकम सहित शुक्र दिन पकड़लक। भारत से घराइसी सामान लक घर घुरत काल एक व्यक्ति संग प्रतापपुर गाँव पालिका 2 के एक किराना दोकान में रकम लैत काल ओ पकड़ा गया। नेपाली क्रिकेट के सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संज्ञान के चुनावी साधारण सभा काठमांडू में शुरू भेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC से 3.5 वर्ष निलंबन में पड़ल नेपाल क्रिकेट संघ ICC के रोहबर में शुरू भेल साधारण सभा से नया नेतृत्व से चुनल जाए। नेतृत्व के लिए 7 दिन निर्वाचन भर रहा है। शुक्र दिन साधारण सभा आ 7 दिन होबय लागल निर्वाचन से क्यान के नया नेतृत्व दल जाए। 17 सदस्यीय नया नेतृत्व के लिए 59 गोटे मतदान करत जाय में 39 जिला के प्रतिनिधि आ प्रदेश के 20 गोटे मतदाता चुनाव में सहभागिता जनाउत। नया नेतृत्व के लिए 2 पूर्व अध्यक्ष विनय राज पांडे आ चतुर बहादुर चंद चुनावी मैदान में ठाड़ हेबाक पक्का भेल। पांडे आ चंद दुनू पक्ष के चुनावी एजेंडा क्यान ऊपर के निलंबन फकुआ में केंद्रित है। ऐसे पहले सरकारी हस्तक्षेप भेल कहित ICC क्यान के निलंबन कयने छल, मुदा नेपाली खिलाड़ी ICC के अधीन में रहकर प्रतियोगिता में सहभागिता जनबित आबि रहल। ऐसे पहले निर्वाचित क्यान राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आओर सब सरकार वाला के सहमति में ICC से गठित स्वतंत्र समूह आश्चिन 3 आ 4 गते के लिए आह्वान कने साधारण सभा राखेप असहमति के कारण 10 आ 11 गते के लिए बढ़ाओल गए। तेना आश्चिन 26 में ICC के बोर्ड विचार बैसल आ गए। विचार से नेपाल ऊपर लगाओल गया निलंबन फकुआ हेबाक अपेक्षा कैल गए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के विशेष चुनावी साधारण सभा काठमांडू में शुरू भेल। साधारण सभा के उद्घाटन युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा कलने। उद्घाटन सत्र में खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा नेपाली क्रिकेट के शुक्र दिन बहुत विलम्ब से आयल बतौलने। क्रिकेट खिलाड़ी संगे क्रिकेट खेल प्रेमी नेपाली सब आजका दिन के बहुत पहले से प्रतीक्षा कने कहित मंत्री विश्वकर्मा अ अवसर के नहीं जाय देबाक प्रतिबद्धता सबसे एनाई जरूरी रहल धारणा रखने छलन।
मन्त्री विश्वकर्मा नेपाली क्रिकेटमै बितल वर्षमै भेल सब परिस्थितिकै समीक्षा कक सुखद यात्रा तय गरेर साधारण सभा सक्षम हेबाक विश्वास व्यक्त गर्न छलेन। कानमे सरकारी हस्तक्षेप सहित विभिन्न कारण देखबैत अन्तर्राष्ट्रिय ऐसा पहिले आईसीसी 2073 सालमै नेपाली क्रिकेटके निलम्बन गर्ने छल। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी अपन विशेष प्रयासमे नेपाली क्रिकेटके विवाद समाधानके लेल 5 सदस्य स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने छल। ओहि स्वतन्त्र समितिसँग जिल्ला आ प्रदेशके सफल निर्वाचन सम्पन्न भेलाके बाद शुक्र दिन आ शनि दिन राजधानीमे नेपाल क्रिकेट संघकानके निर्वाचन करबाक मिति तय कयल गेल अछि। एखन धरि नेपाली खेलाडी सब आईसीसीके तालिकामे प्रतियोगिता खेलैत आबि रहल अछि। बितल बृहस्पति दिन मात्र नेपाली क्रिकेट टोली त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल सिंगापुर प्रस्थान कयलक अछि। नेपालमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलमा बङ्गलादेश फाइनलमा प्रवेश कयलक अछि। हलचक स्थित एपिएफ क्लबके मैदानमा भेल पहिल सेमी फाइनल खेलमा बङ्गलादेश भुटानके 4-0 गोलसँ पराजित गरेर फाइनलमा स्थान बनौलक अछि। दोसर सेमी फाइनल खेल भारत आ मालदिव्स बीच हैत। एहिसँ आगू बङ्गलादेश समूह चरणके खेलमा श्रीलङ्काके 3-0 गोलसँ हरबैत भारतसँग गोलरहित बराबरी खेलैत समूह बीके उपविजेताके रूपमे अन्तिम चरणमे प्रवेश कयने छल। तहिना भुटान समूह ए विजेता बनैत सेमी फाइनलमे प्रवेश कयलक अछि। दोसर सेमी फाइनल भारत समूह बीके विजेता आ मालदिव्स समूह ए के विजेता बनैत अन्तिम 4 प्रवेश कयलक अछि। फाइनल खेल रवि दिन खेलल जायत। अन्तमा हेडलाइन्स एकबेर फेरसँ। प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी जनकपुर धाममे जारी। प्रदेशके लेल सुरक्षा योजना तय कयल जायत। अवैध रूपमे भारत दिस लजा रहल 18.5 किलो चानी सहित सशस्त्र प्रहरी बल धनसामे गोटेके नियन्त्रणमे लेलक। एक वर्ष भीतर नेकपाके सम्पूर्ण जनताके एकमात्र पार्टी बनेबाक नेकपा अध्यक्ष दाहालके दावी। उत्पादन मूलक उद्योग के प्रोत्साहन करबाक नीति तत्काल कार्यान्वयन कर सरकार सँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के मांग। आ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के विशेष चुनावी साधारण सभा काठमाडौँ में शुरू काल निर्वाचन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।